दीदी ले आई है पानी ला। चलो ये वाला डब्बा मैंने ले लिया है दीदी से। देखो गांव में कितनी अच्छी लगती है कसेरी, सामे की कसेरी चमक चमक रही है दीदी की सिर में। मेरे को तो कुछ काम नहीं करने दे रहे हैं ये, इतने मजे हैं। सौतेली ने क्या पाथ रखे हैं, ये गोबर के उपले पाथ रखे हैं, तो बहुत अच्छे होते हैं, इनसे भी खाना बनता है, जैसे सूख जाते हैं और मच्छर भगाने के काम भी मिला। हमारे दूसरे वाले भैया का है ये डॉगी, तो बहुत प्यारा है। इसको ले जाए इरिटेट सीपा ये को ना सीपा ले आओ खुद ना। अच्छा 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 नहीं सफाई भी गंदी बात बहुत गर होनी हो दिखावन तो रे तुम थे घर एक टाइम खाओ खाना है बहुत भारी हो रहा है ये बाबा। बस 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 चलो आंटी के पास जाओ। बहुत सारे लग रखे हैं यहां ज्यादा कौन वहां। आज हमें भाई साहब गांव घुमा रहे हैं कुलार गांव। क्या क्या दिखाने वाले हो आप? देखो बांस देखो, ये बांस की लकड़ी है, इससे क्या बनते हैं? क्या क्या बनता है? इससे मोड़े बनते हैं, खप्पर बनते हैं। चलो तो आज जा रहे हैं हम। ये मेरे भाई हैं और मैं इनकी बहन हूँ। आज मेरे भैया मुझे कुलार गांव घुमाएंगे। भैया छोटे हो गए और बांध नहीं ना। भैया छोटे हो गए मैं पग बनाऊंगी। बहन तो लंबी है ना, और हम पहुंचने वाले हैं कहाँ पे? कुलार के पानी में। तो चलो गाइस आपको दिखाते हैं कि कुलार की डिग्गी कैसी है, गांव का पानी कैसा है, और फेमस गांव है कुलार। तो चलो चलते हैं। और बहुत भीड़ हो रखी है यहाँ पे, काफी लोग प्लेन से भी आए हैं। तो कुछ बताओ आपने कंधे के बाद में। तो ये है यहाँ की पानी की टंकी है। आपके गांव में पानी की कोई परेशानी नहीं है ना दीदी? प्रणाम। नमस्ते। आ रहे हैं गांव की तरफ और आज देख रहे हैं हम कुलार गांव। तो ये देखो यहाँ भी ऊपर किसी के घर हैं और उधर है नीचे आंगनबाड़ी है उधर, और पीछे से भैया भी आ रहे हैं हमारे साथ। तो दो दो भैया मेरे आगे पीछे, एक भाई मेरे आगे लगे हैं एक पीछे लगे हैं, और आज वो अपनी बहन को गांव दिखाने वाले हैं। तो ये देखो भूली भी श्री यादें गांव में। देखो ये घर पुराने हैं और जो पुराने लोग रहे होंगे उनके कितने अच्छे अच्छे घर हैं। ये देखो बच्चे आगे आगे जा रहे हैं। कुछ लोग अभी आए, ये लोग अपने घर में पहुंच गए हैं। ये आज मेरे बच्चे बहुत खुश है गांव में आके। कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है। सब खुश है। कविता, कविता नमस्ते, ठीक ठाक? बढ़िया बढ़िया। वैसे कि रे अभी ये खींचो में एक दिन और बाकी बच्चों को तो ये हमारी बहन है। तो अभी मुलाकात हुई और बैठेंगे शाम को, है ना? तो ये है गांव। जब हम पहले आ था ना बाजी, तब तो इसका बड़ू नहीं दिखे था गांव। ये धक्का का सुंदर सुंदर घर थी। ये देखो कितने अच्छे अच्छे घर है गांव में। ये लोग सब बाहर रहते हैं। कोई है अंदर? कोई होगा अंदर? कोई नहीं अंदर। तो ये देखो गांव की गुजड़ी सूख गई है बिचारी, और यहाँ पे लगे हैं बम्बू। काफी दूर जाने के बाद मुझे ये क्या मिले हैं, ये देखो ये है कुमर,
कांटे हैं ये, और कपड़ों पे ऐसे चुभते हैं कि निकलते ही नहीं है। देखो जब हम घास काटते थे तो बहुत सारे मुझ पे भी चुभते थे, और बहुत याद आ रही है बचपन की सच में, क्योंकि हम इनसे बहुत प्रेम था हमारा, इनसे कांटों से भी। अपने गांव का तो हर चीज़ अच्छा लगता है। और चलो अब आगे चलते हैं, आगे मिलते हैं। और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट आप ज़रूर करिए। मेरी वीडियोस तो गढ़वालियों को ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि जो लोग हिंदी समझते हैं उनको गढ़वाली क्या पता ना भी आए, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पहाड़ से नहीं होते हैं, फिर भी उनको गढ़वाली लैंग्वेज हो या पहाड़ देखना बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ अगर आप मेरी भाषा को ना भी समझें तो अपना उत्तराखंड तो है ही प्यारा, आप ज़रूर देखें। और ये देखो ये लोग मुझसे काफ़ी आगे जा चुके हैं, और मेरी तो सांस फूल रही है चढ़ाई में, तो मैं जा रही हूँ धीरे धीरे। और जहाँ पे ये टावर है बहुत ही अच्छी जगह पे है, जो भी इस गांव में आते हैं सभी यहाँ देखने के लिए आते हैं, स्पेशली देखने के लिए। और यहाँ पे देखिए गाइस कितना सुंदर है, बहुत लोग फ़ोटो खिंचवाने आते हैं यहाँ, तो यहाँ का जो व्यू आता है ना बहुत ही अच्छा आता है, एकदम खूबसूरत। वाह सच में बहुत अच्छी जगह है ये। और ये देखो पेड़ पे कैसे घास लगाते हैं लोग। ए करंट तो नहीं आ रही मोड़ पक्का, पता चल रहा कि गांव देखने आए हर पोल में चले गई मैं ऊपर। तो ये देखो इसकी लंबाई तो बहुत होगी गाइस, ये देखो। और आपको मैं दिखाने वाली हूँ यहाँ से सतपुली का मस्त व्यू। और बाप रे थकान तो हो ही गई है। ये देखो यहाँ पे है रामबांस, इस पे पहले हम ना लकड़ी लाते थे, घास लाते थे, और अभी आगे ले जा रहे हैं भैया मुझे। तो चलो गाइस मैं आपको सतपुली दिखा देती हूँ। तो ये देखो नीचे है सतपुली, यहाँ बाप रे यहाँ से तो बहुत खाई में लग रही है सतपुली, और बहुत ही अच्छी लग रही है यहाँ से सतपुली। तो पता नहीं कौन से सोच में डूब गए, क्यों डूब गए भाई, सोच रहे हैं कि बहन आ रखी है तो क्या खाएगी। भैया एड बैड तो हम खाते नहीं है, सिंपल ही खाना खाते हैं, टेंशन मत लो। ससुराल देख रहा हूँ मैं, ससुराल देख रहे हो, ससुराल वाले तो यही यहाँ रखे हैं, ससुराल क्या देख रहे हो, कौन है ससुराल में सास क्यों देख रहे हो। भाई बहन को तो सास पड़ी रहती है, 24 घंटा सास ही चाहिए। भाई बहू को तो सास चाहिए चाहिए, जवाई को क्यों चाहिए सास, सास ही चाहिए। क्यों सास से बहुत प्यार है तुम्हें, क्यों इनके दिया सास हो तुम दही लड़की थी। अरे वाह लड़की दी तो बहुत खुश है भाई साहब, क्योंकि आज तक हमारी रोतेरी ने कोई शिकायत नहीं दी है ना, हाँ शिकवा शिकायत नहीं हुई, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इधर। वाह तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया हमें इधर घुमाने के लिए लाए, और कितनी प्यारी लग रही है हमारी सतपुली, और बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ। तो चलो आपको टावर दिखा देते हैं एक बार। किसी के खेत में है ये, और बहुत ही अच्छी जगह पे है ये। तो चलो मेरे बच्चे तो फुल इंजॉय कर रहे हैं इधर, और मैं तो आ गई हूँ इस तरफ। क्या हो गया बुआ ने क्या कहा कि उधर जा रहा वो मत करना, नहीं उधर भूत पूजा रहता है, बल उधर मत जाना। तो पहाड़ों में ऐसा होता है ना कि मेरे बच्चे उधर उधर जा रहे हैं, तो पहाड़ों में भूत भी पूजा रहता है, मत जाओ उधर। और यहाँ पे ये देखो कुंजा हो रखा है, ये वाला कुंजा, ये कुंजा आता है काम पूजा में, तो बहुत मज़ा आ गया है। ओहो ये देखो पेड़ भी बहुत अच्छी अच्छी है यहाँ पे, शायद मुझे लग रहा है यहाँ पे लोगों ने गैत और उड़द की दाल बोई थी, क्योंकि जहाँ गैत और दाल की उड़द बोई जाती है वहाँ ये वाला घास बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मुझे तो पता है हमारे इधर भी गैत उड़द बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे मुंह पे कुछ लाइट चमक रही है,
ओहो, तो गाइस अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, गांव का जो भी दृश्य मैंने आपको दिखाया हो, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको कैसा लगा। और मेरे चेहरे से तो आपको पता ही लग रहा होगा कि गांव में आने से मुझे कितनी खुशी होती है। सच में हमारा उत्तराखंड बहुत ही अच्छा है, इसीलिए देवभूमि कहा गया है। और देवता लोग भी यहाँ निवास करने इसीलिए आए होंगे क्योंकि यहाँ पूरा जो पहाड़ी एरिया है बहुत ही अच्छा है। तो जय बद्री, जय केदार। मिलते हैं आपको न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।